के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। सुरेंद्र कौर जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, हकीम जी से बात हो रही हूँ। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी वैजी, मेरा ना मतलब सारी बॉडी में दर्द होता है। पहले, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, पहले तो मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि हमारा फोन नहीं मिल रहा था। शुक्र है भगवान का, आज फोन मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, जी, मेरे दोनों, हाँ जी, दोनों मेरे मुंडों में, दोनों कूहनियों में और मेरे पैर इतने जलते हैं रात को, मतलब सारा दिन, 2 साल 3 साल से। ठीक है। उम्र बताइए अपनी। उम्र हमारी है जी 65, ठीक है सिक्सटी मैम, फाइव ठीक है। लगता है कि आप ने कोई नुस्खा हमारा लिया नहीं अभी। तो देखिए, बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, और कभी कोशिश करें, ट्राई करें, असली जो भी मैं बताऊं असली लें। और वो मैं अक्सर बताता हूँ ना, गौन सिया, काला गौन, काला गौन खरीद लें असली, और इसको पाउडर बना लें। आधा चम्मच धनिए का पाउडर और आधा ग्राम गौन सिया, जिसे हम काला गौन कहते हैं। लेकिन ये गौन सिया नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, गौन सिया यानी काला गौन आधा ग्राम, और धनिए का पाउडर आधा चम्मच में मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद कम चर्बी के दूध से या पानी से यूज़ किया करें। अगर ये असली मिल गया आपको तो आपको फायदा होना मुमकिन है। मऊ से हैं उमा पांडे जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते, सर जी नमस्ते। हाँ नमस्कार। जय सर नमस्ते। सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने आपकी वो जैतून का सिरका 6 महीने से पी रही हूँ, और मुझे शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है। शुगर 140 के आसपास है, और मतलब मुझे कमजोरी बहुत लग रही है उससे। मुझे अब मतलब 6 7 महीने हो गए पीते हुए, पर मतलब ऐसा लगता है कि सुबह उठने की इच्छा नहीं होगी, थकान बहुत रहती है और कमजोरी, मतलब जैसे कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा हो गया। बाकी मेरी सब चीजें नॉर्मल है, कोई कुछ मतलब ना शुगर बढ़ी, ना बीपी बढ़ा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ये सब सही है सर। और मतलब मुझे बस कमजोरी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है सर। ठीक ठीक ये जैतून का सिरका तो मैं पी रही हूँ लगातार सर, बंद भी नहीं करा, और इंजेक्शन वगैरह भी मेरा छूट गया है, गोलियां कम हो गई हैं पहले से। तो सर ये कुछ उपाय बताइए आप, जैसा कि मुझसे कमजोरी ना लगे मुझे। जी जो देखिए, आप ये कर सकते हैं कि अगर 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम ये पीते हैं, तो रात के वक्त 3 चम्मच या 4 चम्मच पी लिया करें, दिन में ना लिया करें। तो एक तो ये तरीका है, क्योंकि डायबिटीज़ पूरी तरह तो अच्छी होती नहीं, कंट्रोल ही होती है, और आप ये सिरका ले रहे हैं तो फिर आपको एक तो कमज़ोरी नहीं लगेगी, और शुगर को ये निकालता है, तो दिन में अगर ये निकाले तो आदमी कभी कभी ऐसा महसूस करता है। और फिर ताकत के लिए आप वो भी ले सकते हैं, अलसी आधा चम्मच और आधा ग्राम गौनसिया, पूरे दिन में एक बार ले लिया करें, पानी के साथ या कम चर्बी के दूध के साथ। तो ये नसों में और जोड़ों में और हड्डियों में ताकत भरता है, और फिर आदमी बहुत एक्टिव रहने लगता है। तो ये भी आप साथ में कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं और आपकी इंजेक्शन भी छूट गया, ये भी बहुत अच्छी बात है, गोलियां भी कम हो गई। लेकिन आपको लेनी होंगी हमेशा, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इसको लेते रहें, और मेरी दुआ है आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। हरिद्वार से हैं गौरव जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, क्या नाम है? हकीम साहब से बात कर रहा हूँ मैं। जी बात हो रही है, बताइए गौरव भाई। हाँ जी सर, क्या नाम है? मैं खाता पीता बहुत हूँ लेकिन शरीर में नहीं लगता है सर।
मेरे को पावर टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम होती है मतलब। कितनी आयु है भाई आपकी? मेरी 24 साल। 24 साल, तो देखिए वैसे तो सेहतमंद लोग हैं जो पतले दुबले हैं, लेकिन जवानी में सब यही सोचते हैं हम ऐसे हों वैसे हों। तो वजन बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, बस 1 ग्राम रोज़ाना खा लिया करें, दूध के साथ, पानी के साथ या नारियल पानी के साथ अपने हैसियत के हिसाब से, बस एक बार पूरे 24 घंटे में गौंद मोरिंगा सफ़ेद इस्तेमाल किया करें, जैसी चाहे आप सेहत बना सकते हैं। मुंबई से हैं शबाना जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी हकीम साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हकीम साहब आपकी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि आपने सिम मुझे मिलाया अल्लाह ने, और मिलियंस बार एहसान अदा करे तो कम ही। और उस माँ को सलाम जिस माँ के आप बेटे हैं, इतनी अच्छी आपकी परवरिश हुई, और उस बहन को झुककर सलाम, अतिया बाजी को झुककर सलाम कि उन्होंने आपको इतना वक्त दिया कि आप खिदमत खल्क कर सक रहे हैं हर मिल्लत की। और मैंने सिया गोन और जैतून नमक बुलाया था, बहुत मुझे फायदा हुआ। मुझे 10-15 दिन हो गए, नहीं करीब मतलब 1 महीना हो गया, लेकिन मैं 15-20 दिन से ले रही हूँ। पहले तो मुझे कुछ फायदा नहीं दिखा, लेकिन दर्द शुरू हो गया तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही। आप बताते कि दर्द हुआ तो थोड़ा फायदा आगे होता है, फिर एकदम से अचानक मेरा दर्द खत्म हो गया। और आप ये भी बताते कि साइड में ले सकते हैं आप दवाएं, आपकी बहुत ज्यादा हम एहसानमंद है। और अल्लाह ने मिलाया मुझको आपसे, रे रोड पर भी आई थी, आपके बंदों को भी मैंने बार्गेनिंग करके ली, उन्होंने भी मुझे दिया है, और बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी लेट आई दवा, लेकिन आप यकीन मानिए मेरी 11 साल की बेटी है, तो मैं इतनी परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं, मेरे दर्द पूरे बदन में दर्द था, झुक कर उठती थी और उंगलियां टेढ़े हो जाती थी, मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी, चल नहीं सक रही थी। अभी लेकिन थोड़ा बहुत बाहर निकलना चालू करी हूँ, अभी एक ही बार जाती हूँ कभी, लेकिन दर्द में बहुत आरामी है मेरे का। जैसा 10 रुपये में 7% मुझे आराम है। बहुत दुआएं आपको करोड़ों, मैंने आपके चैनल पे दुआ करवाई थी कि बहन जी के हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर भी आपका नाम ली, तहज्जुद में भी आपके लिए दुआ की, और 15-20 दिन से मैं तहज्जुद पढ़ रही जब से मेरी बहन जी का एक्सीडेंट हुआ था। और आपको, राहिल पाशा साहब को, या आपके सामने जो मैडम बैठी है उनका नाम भी बता देना, उनका भी नाम लेके दुआ करूंगी। अभी आपका भी नाम लेके दुआ की, वो माँ को सलाम, वो अल्लाह का करोड़ों और मिलियंस बार एहसान है कि जिसने आपसे मिलाया। मैं पहले नहीं लेती थी, मैं आपका प्रोग्राम 8-10 साल से देखती हूँ, लेकिन अब 2 साल से तो कंटिन्यूस एक के बाद एक देखते रहती थी। लेकिन जब आपकी बातें मेरे दिल में उतरी, आप बोलते थे सिर्फ 6 मिनट दीजिए, 6 दिन दीजिए मुझे 6 दिन के बाद, तो मैंने इस तरीके से आपके तदरीज से, आपके मशवरे से, आपकी रहनुमाई से, और आपकी जो बातें मेरे दिल में उतर गई। हकीकत में मैं भी एक 50 साल की माँ हूँ, औरत हूँ, तो मैंने इस चीज को महसूस की कि दूसरी औरतें जो कर रही है बेचारी, तो वो ले रही है, अपन क्यों नहीं ले सकते, और अपनी छोटी बेटी है। और मैंने 2-3 लोगों को और बताया भी हमारे गाँव में, हमारी बहनों को भी, तो मेरे को इतनी वो लगी कि आप कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, बिल्कुल मत बोलिए, हम लोग बहुत मायूस हो जाते, प्लीज मेहरबानी करके यूं ही ऐसे आते रहे, बैठे रहे, आपको देखते रहे। वो शेर याद आ रहा था, लेकिन अभी बराबर वो शेर याद नहीं, आप बहुत अच्छा शेर बोलते हैं। आपकी बातें तो मैं एक सा टकटकी लगा के सुनती हूँ, वहीं चाय पीती हूँ, पलंग पर बैठ के वहीं नाश्ता करूंगी, वहीं काम करूंगी घर के, लहसुन अदरक छिलना जो भी है, लेकिन आपकी हर एक एक बात मैं बता सकती हूँ। आपने कौन से वक्त कौन सी डंडी बताए थे, लकड़ी बताए थे, कौन से वक्त 6 दिन का टाइम बताया था, कौन से वक्त कौन सा शेर बताया था, किस वक्त क्या बताया था आपने, और इतने अच्छे नुस्खा जात है आपके कि हकीकत में मैं एक माँ हूँ, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो बच्चों में आदतें आएंगी, माँ देखी जाती है बेटियों की, तो ऊपर ना खानदान जाएगा ना पैसा जाएगा। हाँ बस इखलाक, आप जो इखलाक बांट रहे हैं लोगों को, आपकी वजह से मैंने दवाई लेना चालू करी, वरना इतना क्रेजी होकर मैं 2 साल से देख रही थी, तब भी मैंने जस्तजू नहीं की, इतने दवाएं होने के बाद भी जस्तजू नहीं की, लेकिन आपकी दवा में क्या तासीर हुई, और आपकी बातों ने जो दिल को छुआ, जो दिल में उतर गई दिमाग के जरिए से, एकदम से घंटी मार दी दिमाग में, और एकदम बता नहीं सकते ये मौजूदा हो गया मौजूदा।
इतनी दुआएं हैं, इतनी दुआ निकल रही दिल से रूह से कि मैं बोलूंगी हर औरत भी दे रही है दुआएं, मैं ही अकेली नहीं हूँ, पूरी औरतें दे रही है, पूरा जो सुनता है जो नुस्खे जात यूज कर रहे हैं वो सब आपको दुआएं दे रहे हैं। यूं ही आप हमेशा खिदमत करते रहे और बहुत अच्छे नुस्खे जाते हैं, ना ज्यादा महंगे है। कहाँ रहते हैं आप? बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं मुंबई नाला सुपारा में आई थी आपके पास में। अच्छा, मुलाकात हो चुकी है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, रे रोड में आपने बताया था कि 5% का 50% का इनको डिस्काउंट दे दो। आप कुछ अपने असिस्टेंट से बता रहे थे कंप्यूटर से कि मेरी आज सालगिरह है, तो बोले मेरी बहू ने मुझे याद दिलाया, वो बात कर रहे थे आप असिस्टेंट से। वो कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि वकील साहब कैसे दिखते हैं, वकील साहब का ड्रेस वही था सफेद वाला, अक्सर बेशतर हम आपको वही ड्रेस में ही देखते हैं। और आपने खवातीन के लिए पाशा साहब को भी बोला था कि खवातीन को मौका दें, परेशान ना हो उनसे, किसी को बात करना जल्दी आता है, किसी को कोई जल्दी करता है मेरी तरह, कोई एकदम अल्फाज को जुड़ाना पड़ता है। तो आपने कहा था कि इरिटेट ना हो पाचा राहिल, परेशान ना हो, करने दे, आप में बहुत मोहब्बत है, आप बहुत अच्छे शोहर भी होंगे, बाप भी होंगे और दादा भी है, और आपकी बीवी को भी बहुत सारा सलाम, झुककर सलाम आपकी बीवी को भी, और आप उस माँ को भी करोड़ों सलाम जिसने आप जैसे बेटे को हमारे खिदमत के लिए भेजा। बहुत मैं पूरे कायरीन के वर्ड से यही बोलूंगी कि मेरे को देखिए, मेरी आवाज सुनिए, कि जो मजबूर और मजलूम औरत थी, कितनी दर्द थी पूरे बदन में, पेट पीठ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, कि मैं परेशान हो गई थी कि कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरी 11 साल की बेटी है, मैं मेरी बच्ची को बोलती थी कि हूँ सभा कहीं मैं मर तो नहीं जाती, तो मम्मी कैसा बोलते आप इतना देखते प्रोग्राम, दवा बुलाओ ना मम्मी, एक दिन बुलाओ ना। बच्चों ने भी इनकरेज किए और फिर प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेरी छोटी वाली बेटी सारा बोलती आ गए आपके हकीम सलमान खान। बहुत बहुत ज्यादा मेरे बच्चे भी इंटरेस्ट हो जाते हैं और कोई बेचारे मेरे से समझौता करते कि कोई दूसरा सीरियल नहीं देखते वो। इतने एक खत्म हो, दूसरा खत्म हो, तीसरा, आपकी बातों में वो जादू था जो मैं रुजू हो गई दवा लेने के लिए, नहीं तो कसम है अल्लाह ताला की, कुफार अदा करना पड़ता अल्लाह ताला का। तो मेरे पास इतनी दवाएं हैं, मैंने किसी की दवा लेके एक तक दो तक छोड़ दी, लेकिन आपकी दवा मैं 15 दिन से ले रही हूँ, 20 दिन लेट हो गई थी सिर्फ आपकी दवा। अचिन साहब, इस तरह ही आप हमारी रहनुमाई करते रहे, नुस्खे जात बताते रहे, निकालते रहे, और भी अदवियात आप दरियाफ्त करते रहे, और अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ज्यादा हम लोगों की आप खिदमत कर सके, और आपका कारोबार पूरी दुनिया पूरे आलम में ये कारोबार फैले। अदिया साहिबा को भी करोड़ों दुआएं, बहुत सलाम, जिसने इतनी आपको फुर्सत दी, टाइम दी, मुझे मालूम है उन्होंने कितना सेक्रीफाई किए होंगे, काम में छोटे बच्चे हैं वो उसी वजह से, और आप इतने शफीक है, इतनी बातें आपकी अच्छी लगती है, वो शेर शायरी में आपके एक दर्द होता है, एक शेर और शायरी में आप औरतों की इतनी इज्जत करते हैं, शेर शायरी के जरिए भी हमको मोटिवेशन मिलती। और मैं सारे विवर्स से बोलूंगी कि मेरे को देखिए, मुझसे पूछिए, मेरा ये आ रहा है, अगर प्रोग्राम में देख रही हो औरतें, तो मैं मौद्देवाना इल्तिमास करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार अजमाए, एक बार अजमाए। हकीम साहब ने कहा था कि 6 दिन दीजिए मुझे, मैंने देखा हूँ ये कि हकीकत में कि अल्लाह का ये मौजजा हो गया मेरे लिए, तो मैंने आपको तहज्जुद में दुआएं शुरू कर दी, मैंने आपके लिए फजर में, तहज्जुद में, मैंने मेरे बच्चों को बोली, मेरी बेटियां हैं दो, मैंने बेटे हकीम साहब के लिए भी दुआ किया करो। बहुत शुक्रिया शबाना, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, सबसे अहम बात तो ये है कि आप कदरदान हैं, और उससे अहम बात यह है कि आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, और 50 पैसे का डिस्काउंट की भी बात आपने बताई। ज़रूर, एक ज़माने में मैं प्रैक्टिस में था, और रे रोड पर मेरा दवाखाना आज भी है, लेकिन दूसरे डॉक्टर बैठते हैं, और मैं मसरूफ होता चला गया। आजकल तो बस फैक्ट्री देखता हूँ या ये हेल्थ शो करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी मेहरबानी अल्लाह की कि आपको फ़ायदा दिया, यकीन दिलाया, और मेरी इज्जत रह गई, वरना अगर अल्लाह फ़ायदा ना दे तो ये सब बातें नहीं हो पाती। और बड़ा एहसान, और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं 100 लोगों को दवा या मशवरा दूँ, उसमें 99 लोग ठीक हो जाए, तो मैं उस दवा को कामयाब मानकर फिर उसका इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसको मुतारिफ कराता हूँ। ये भी मेरा काम है, और बस लगा रहता हूँ कि कुछ ऐसी अद्वियात जिससे लोगों को फ़ायदा हो जाए।
यही मैंने आज तक किया। बम्बई में मेरी तकरीबन 25 साल की ज़िंदगी गुजरी, जवान गया था, बूढ़ा होकर लौटा, अब दिल्ली में रहता हूँ। तो माशाल्लाह आप बड़ी कदरदान हैं, और बस मैं यही चाहता हूँ कि जो आपसे इल्तमास की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही लोगों तक ये बात पहुँचा रही हैं। देखिए लोग, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और एक अच्छा नुस्खा नहीं मिल पाता। नुस्खा मैं बताता हूँ, इस्तेमाल आप करें, नुस्खा कहीं से भी लें, असली लें। और आपकी तमाम बातों का तो मैं जवाब भी नहीं दे सकता, ना अल्फाज हैं। आपकी कदरदानी बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर करती है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, और उन ताक रातों में आप मेरे लिए दुआ करती हैं। मैं भी इंशाल्लाह आपके इसके एवज में मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।